फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। जैसे को तैसा, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, या न्याय ऑन स्पॉट, न कोर्ट और न ही लंबी चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया। माधोपुरम में सिर्फ दहशत फैलाने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले उभरते तीन बदमाशों को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। तीनों के ही पैर में गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको याद दिला दें कि बीती 3 मार्च की शाम ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधोपुरम में बाइक व स्कूटी सवार 4 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस फायरिंग से 6 दुकानों के शीशे टूट गए थे। सेक्टर 1 महाकालेश्वर मंदिर के पास हुई इस फायरिंग की घटना में अंकित कौशिक की कॉस्मेटिक दुकान पर शॉपिंग कर रही कोमल मिश्रा को भी गोली लग गई थी। अनिल मिश्रा की पुत्री कोमल BA की छात्रा है। उसे तुरंत ही KMC हेल्थ सिटी में भर्ती कराया गया, जहां उसे ऑपरेशन कर बचा लिया गया। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। आसपास के दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए थे। आसपास के CCTV फुटेज की जांच की गई तो पाया गया कि 4 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर नए उभरते इन बदमाशों की पहचान मास्टर कॉलोनी निवासी मनोज वर्मा का पुत्र वेदांत वर्मा, गांव हरोड़ा सिंभावली निवासी नरेंद्र सिंह का पुत्र अभय ठाकुर, सूर्यपुरम कॉलोनी निवासी किशन गोपाल का पुत्र अनिकेत उपसैंकी, कृष्णापुरम मलियाना निवासी ओमपाल सैनी का पुत्र सचिन सैनी के रूप में हुई। शनिवार को तड़के करीब 4 बजे सरस्वती लोक पर पुलिस का आमना सामना इन बदमाशों से हो गया। यहां हुई मुठभेड़ में वेदांत वर्मा, अभय ठाकुर व अनिकेत पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सचिन कोबरा अभी फरार बताया जा रहा है। तीनों के पास से पिस्टल व 2 तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इन बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से पुलिस जीप के शीशे भी टूट गए हैं। इस घटना के बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की घटना है। आपको जानकारी होगी, 3 तारीख को कुछ बदमाशों ने एक बाजार में माधोपुरम में फायरिंग करी थी, जिसमें एक बालिका के गोली से चोट भी लगी थी और इसको बहुत ही गंभीरता से पुलिस ने लिया। शुरू में ब्लाइंड केस था, बाद में उन 3 बदमाशों की पहचान हुई और एक चौथा बदमाश अज्ञात रहा। कल पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। 2 दिन के अथक परिश्रम के बाद में उनको इन बदमाशों को पुलिस के द्वारा जो है रोका गया, चैलेंज किया गया, तो उनका मन बढ़ा हुआ था। उन्होंने पुलिस के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। पुलिस ने इसमें तुरंत ही आत्मरक्षा जो फायरिंग करी, उसमें ये बदमाश घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। धारा 307 के अंतर्गत विवेचना की जा रही है। 4th बदमाश का नाम भी प्रकाश में आ गया है। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल क्लियर है, किसी भी सीमा तक जो है पुलिस अपने विधिक अधिकारियों का प्रयोग करने में नहीं हिचकेगी। और ऐसे एक बदमाश जो कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं, शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस को जिस भी सीमा तक जाना पड़ेगा अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।